Good morning, dear students. Welcome to the online classes of English. Our today's class is for first standard and our lesson is lesson number 3, the trees. In this lesson, we will talk about the trees. It is a poem written by Sarah Coleridge. So let's start the poem. The oak is called the king of trees. Oak, this is the name of a tree. This is called the king of ट्रीज. ओक क्या होता है? ओक होता है जिसको हिंदी में हम लोग शाह बलूत या बलूत बोलते हैं. ये यूरोप अमेरिका उस साइड में होने वाला ट्री है. द एस्पेन क्विवर्स इन द ब्रीज. पहले हमने किसकी बात की? ओक की बात की, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट जो ट्री हम बात कर रहे हैं वो क्या? एस्पेन. वो क्या करता है? क्विवर्स. क्विवर यानी कि शेक होना, हिलना, जोर जोर से हिलना. कब? जब हल्की सी भी हवा आती है तो बहुत ज़ोर से ये शेक होने लगता है. इसको बोलते हैं एस्पेन. ठीक है, द ओक क्या है? किंग ऑफ ट्रीज. एस्पेन जो है ब्रीज में कोल्ड एयर के साथ क्या करने लगता है? शेक होने लगता है. द पॉपुलर ग्रोज अप स्ट्रेट एंड टॉल. जो नेक्स्ट ट्री हम बात कर रहे हैं वो क्या? पॉपुलर. वो क्या करता है? स्ट्रेट एंड टॉल. ये देखो जैसे इसमें दिखाएंगे ना, बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही लॉन्ग ट्री होता है ये ना. टॉलेस्ट होता है और स्ट्रेट होता है. नेक्स्ट जो ट्री है, द पीच ट्री स्प्रेड्स अलोंग द वॉल. जो पीच ट्री है वो क्या करता है? वॉल के साथ साथ में स्प्रेड हो जाता है. मतलब कि जैसे ये ट्री क्या है, ये सीधा खड़ा है एकदम स्ट्रेट, बट ये जो होता है पीच ट्री वो वॉल के साथ में स्प्रेड होता है. ठीक है, द सीकेमोर गिव्स प्लीजेंट शेड. जो सीकेमोर ट्री होता है उसको हिंदी में हम लोग गूलर भी बोलते हैं. ये क्या करता है? प्लीजेंट शेड देता है, बहुत ही अपन को एन्जॉयबल शेड देता है, छाया देता है. द विल्लो ड्रूप्स इन वॉटरी ग्लेड. विल्लो जो ट्री है वो क्या करता है? जो उसकी जो ये ब्रांचेज है वो नीचे आ जाती है. ड्रूप यानी कि नीचे की तरफ बेंड हो जाना, जैसे इस ट्री की हो रही है ना, उस साइड उस टाइप से. नेक्स्ट ट्री, द फिट ट्री यूजफुल इन टिम्बर गिव. जो फिट ट्री है वो क्या करता है? वो हमें यूजफुल टिम्बर देता है. टिम्बर क्या होता है? टिम्बर होती है वुड, जो हम लोग यूज़ में लेते हैं, प्लाईवुड वगैरह होती है, फर्नीचर में जो काम आता है. नेक्स्ट, द बीच अमिड द फॉरेस्ट लीव्स. जो बीच ट्री है वो क्या? अमिड यानी इन बिटवीन, है ना. तो ये बीच फॉरेस्ट के बीच में रहता है. तो ये सारे कितने ट्रीज़ की यहाँ पे बात होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रीज़ की हमने बात की. और ये जितने भी ट्रीज़ है ये कहाँ के होने वाले ट्रीज़ है? अपने इंडिया में ये नहीं होते हैं. ये ट्रीज़ होते हैं अमेरिका यूरोप साइड में, ठीक है, जहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट होता है. तो सारे ट्रीज़ की यहाँ पे इन्होंने क्या बताई है? कैरेक्टरिस्टिक बताई है, कैसे कौन सा ट्री अपने यहाँ पे काम आता है. आई होप आपको ट्री समझ में आए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.